दोस्तों 21 अप्रैल 2024 को एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा दोपहर के 3:30 पे। पिछली बार जब केकेआर और आरसीबी का मुकाबला हुआ था तो केकेआर टीम ने काफी बेहतरीन जीत हासिल की थी आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी टीम बिल्कुल चारों खाने चित हो गई थी। हालांकि अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी टीम बिल्कुल ही अजीबोगरीब नजर आ रही है 2024 के आईपीएल में। इस टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 16 साल में इन्होंने किया है। किसी भी स्कोर को चेस करने जाने तो चेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी स्कोर खड़ा कर रहे हैं तो उसको चेस आराम से करवा दे रहे हैं। 190 रन से भी ऊपर बना के भी टीम हार जा रही है और वहीं 180-90 रन भी चेस नहीं कर पा रही। ये टीम बिल्कुल अजीबोगरीब है और अगर यही हाल रहा इस टीम को तो इस टीम को आने वाले कई सालों में लगता नहीं कि आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाए। अगर आरसीबी के आंकड़ों की बात की जाए तो आरसीबी टीम में सबसे ज्यादा जो रन बनाया है 17 सालों में आज तक में वो बनाया है विराट कोहली ने, लगभग 8000 रन के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है राहुल द्रविड़ का जिन्होंने 898 रन बनाया है, वो भी कई सालों पहले यानी कि 2009-10-11 के आसपास में लगभग बनाया होगा। तब से आरसीबी के किसी खिलाड़ी ने 1000 रन भी क्रॉस नहीं कर पाया है अब तक के सीजन में। तो इस टीम का तो बहुत बुरा हाल है। बहरहाल अगर इस मुकाबले के टिकट की बात करो यानी कि केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच की, तो इसकी टिकटें अगर आपको बुक करनी है तो बुक माई स्टोर पे जाएंगे आप। अगर आप देखेंगे इसकी टिकटें तो वहां पे आपको सोल्ड आउट नजर आएगा। मैंने आपको पहले इतला दिया था कि इसकी टिकटें आने वाली ही, जाके बुक कर लीजिए। अगर आपने टिकट बुक किया है तो ठीक है, अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है तो इसकी टिकटों के चांसेस जो है अब मात्र 25% चांस है कि इसकी टिकटों की बुकिंग दोबारा से चालू होंगी। जो भी टिकटें बची होंगी महंगे वाली सिर्फ आपको वो टिकट मिल पाएगी, सस्ती वाली टिकटें जो है वो पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी हैं। फिलहाल तो अभी सारी टिकटें सोल्ड आउट शो कर रहा है लेकिन इसकी लाइनें जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से एक बार फिर से खुलेंगी बुकिंग के लिए। लाइनें जब खुलेंगी तो आपको सिर्फ महंगे टिकट दिखाई देंगी और टिकटें बुक करने के बाद आपको जाके बॉक्स ऑफिस से टिकट को कलेक्ट करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस की सारी जानकारी आपको बुक माई शो के थ्रू SMS और ईमेल के द्वारा दे दिया जाएगा। टिकटों की होम डिलीवरी नहीं होगी। तो अगर आपको इस मैच की टिकट बुक करनी है तो बने रहिएगा मेरे साथ में, जब भी इसकी टिकट के बारे में कोई नया अपडेट आएगा या टिकट लाइन ओपन होगी तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाके आप अपनी टिकट बुक कर पाएंगे।